भारतीय जनता पार्टी गोलकुंडा जिला अध्यक्ष मैं नितिन नंदकर और गोलकुंडा जिला युवा मोर्चा अंचार लड्डू यादव जी, हमारे आशीष गौड़ जी, आज जिस तरह से एक छोटा सा कंप्लेंट एमआईएम का एक दलाल खाजा बिलाल, उसने जिस तरह से उसकी एक आईटी के टीम को बीजेपी पार्टी ऑफिस के पास लगा के एक फोटो निकाल के ट्विटर में डाला, पुलिस कमिश्नर को क्या बोल रहा कि चार मीनार के और झंडे को निकालने के दिखाओ, नहीं तो उस बैनर को दिखा दे। अरे खाजा बिलाल, अरे बाबा दीवाने बातें न कर, लाउन बने की बातें न कर, तेरी गांड में दम है ना, एक बैनर को हाथ दिखा देगा। आज ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों रुपए लगा के हुजूराबाद में इतने बैनर डाल रहा, वहां पे तेरे को कुछ बोलने नहीं आ रहा, यहाँ पे एक बैनर डाले तो तेरे गांव में छूट उड़ रहा। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनि कुमार साहब से बोलना चाहता हूँ, ये लोग पूरा हैदराबाद का माहौल खराब करने को देख रहे, एक छोटी सी बात को बड़ा इश्यू बनाकर पूरा हैदराबाद के माहौल को खराब करना चाहते। जल्द से जल्द अगर पुलिस कमिश्नर खाजा बिलाल और एमआईएम पार्टी और उसकी आईटी टीम के ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो बीजेपी उनके ऊपर एक्शन लेगा। और मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान में देख ले भाई, थोड़ा नीचे। जय श्री राम। आप सब लोग आज देख रहे हैं, हम तेलंगाना जनता के लिए हमारा बंडी संजय साहब ने अभी प्रजा संग्राम याद कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, जो माहौल पूरा शांत में है, शांत से हमारा जो पब्लिक के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं, पूरे पादयात्रा कल चालू कर रहे हैं, फिर भी ये होना बोल के वांटेडली ये झंडा निकाल के हमारा वो पूरा फ्लेक्स निकाल के पूरा वांटेडली महल खराब कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे कि पूरा गलाटा कर रहे हैं, वो सब सोच रहे हैं कि तेलंगाना वाले टीआरएस वाले, डीआरएस नहीं है ये डिपार्टमेंट, जो जाए डीआरएस नहीं है, टीआरएस है, खाली यूनिफॉर्म पे मेरा है। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं 2023 में, जरूर जरूर भगवा का झंडा, क्या बोलते हैं तेलुगु में बोलूं थोड़ा, बोले बोले नो प्रॉब्लम, वील इधे आलरेडी वील अडगोलो इष्ट वच्चिनट्टु वील डिपार्टमेंट टीआरएस डीआरएस अक्कड पोलीस कादु मोत्तम टीआरएस के पनि चेस्तुन्नारु, आ यूनिफॉर्म ओकटि मोत्तम तेलंगाणा पार्टीकि टीआरएस पार्टीके पनि चेस्तुन्नदि गानि इला तप्पेमुन्नदि भाई अय्या असदुद्दीन अय्या केसीआर गारु मीरु वेसिन तेलंगाणा के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो तेलंगाणा की जनता के लिए प्रजा संग्राम यात्रा निकालने के लिए जो चार मीनार से चालू होने वाली है उसके लिए हम लोग बैनर लगा के प्रचार कर रहे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआरएफ टीम वाले वो लोग आके जबरदस्ती हमारे बैनर निकाल रहे हैं, ये सिटी का माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे जीएचएमसी कमिश्नर साहब से, और क्या नहीं एमआईएम का ऑर्डर है या टीआरएस का ऑर्डर है, आपको किसके बोलने पर ये निकाल रहे हैं? हम लगा तो तकलीफ है, और वो लोग पूरे सिटी में शहर हमारा मेयर हमारा बोल के लगा तो उनको तकलीफ नहीं है, एमआईएम वाले टीआरएस वाले। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये प्रजा संग्राम यात्रा जनता को फुलफिल नहीं करा केसीआर, इसीलिए ये निकाल रहे हैं। और ये जो एमआईएम के कुत्ते जो कंप्लेन कर रहे ना, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ तुम्हारा बाप जो है ना असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें भी कुछ नहीं कर सकता, कल चार मीनार से चालू होने वाली यात्रा है, और तुम्हारा चालू कर रहा है ये इलेक्शन में तुम्हारे को उखाड़ फेंकेंगे होल सिटी से, तुम जो तुम्हारे बात की जागीर समझ रहे ना, और केसीआर जो गोद में बिठा के घूम रहा ना, ये कार्यकर्ता खामोश बैठने वाला नहीं है, हमारी लड़ाई ये धर्म के लिए हमारे तेलंगाना की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे, मैं यही बोलना है। और ये सीधा लगाना बैनर, अरे क्या माहौल खराब करने को देख रहे हैं, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से कहना चाहता हूँ कंपनी अभी
इश्यू कर रहे हैं इसको छोटे ऐसी बात को एक बार निकलने वहां से आता फिर भाई मैं सबको एक भी बैनर में निकलना वहां से नहीं तो यहाँ से दारू के आते फिर टीआरएस इसको टीआरएस पिंकेस को पिंकेस को निकुल बढ़ जाते टीआरएस पिंकेस को सिगरेट एमएलसी अंदर वाले अंदर मतलब चूपी अंदर।